हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों एक एक मैच हारी हैं और एक एक मैच जीती हैं। तो कल का मैच बहुत ही टक्कर का होने वाला है क्योंकि जो टीम जीतेगी उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा लाभकारक रहेगा आगे, और जो टीम हारेगी उसके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी रहेगी। तो जो कल का मैच है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच होता है बहुत कांटे का भी होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का रहता है एक्साइटमेंट, वैसा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी रहता है क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी। दोनों टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही मजबूत टीम है। तो इस वीडियो में जानेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन सा प्लेयर चल सकता है, खेल सकता है, और इसमें से इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, ग्रैंड लीग के लिए क्या कौन से प्लेयर लेना चाहिए, स्मॉल लीग के लिए कौन से प्लेयर लेना चाहिए, और अगर आपको फ्री में देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, ये कल स्टार्ट होने वाला है जो कि इंडिया के टाइम के अनुसार 1:30 बजे स्टार्ट होगा, और ये मेलबर्न में हो रहा है। जो मेलबर्न है यहाँ पे 2 मैच हुए हैं, और ये जो पिच है यहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है। इंडिया के टाइम पे भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी, तो बारिश बहुत होती रहती है। बस आई होप कि बारिश ना हो कल के मैच में, क्योंकि ये मैच जो है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक चीज और भी है कि अगर बारिश की वजह से ओवर भी कट सकते हैं तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको फ्री में देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ फ्री में, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का लाइव मैच। उसके अलावा कभी कभी लिंक काम नहीं करती है तो एप्स भी वहां पे दिया है, उस एप्स के थ्रू आप डायरेक्ट देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच। उसके अलावा मैं ग्रैंड लीग की टीम देता हूं फ्री में, स्मॉल लीग की टीम देता हूं फ्री में टेलीग्राम पर, और आपको प्रेडिक्शन बताता हूं कि कौन सा कैप्टन अच्छा है, वाइस कैप्टन अच्छा है, पिच कैसे बिहेव करती है। अब देखो, ये जो मेलबर्न का पिच है, अभी तक 3 मैच खेले गए हैं, 2 मैच हुए हैं, 1 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। लगभग दोनों का 160 तक रन बनता है यहाँ पे, और 5 विकेट तक गिरती है, और जो सेकंड बैटिंग करती है वो कभी कभी अगर कमजोर है तो ऑल आउट भी हो जाती है। तो जो पहले बैटिंग करता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज भी रहता है, तो जो फर्स्ट बैटिंग करती है उसके लिए अच्छा है। तो कल का मैच अगर बारिश ना हुई तो पूरा हुआ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, और इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके जो प्लेइंग 11 है, डेविड वार्नर होने वाले ही हैं, उसके साथ साथ एरोन फिंच रहेंगे। एरोन फिंच जो है कैप्टन भी है, और मिचेल मार्स सेकंड डाउन आएंगे, उसके बाद मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेट कोविड पॉजिटिव पा गए हैं तो ये नहीं खेलेंगे। उसके अलावा हो सकता है ग्रीन या स्मिथ को खिलाया जाए या किसी और को खिलाया जाए। उसके साथ साथ पिछले मैच में जंपा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे तो नहीं खेले थे, उसकी जगह पे एस्टन अगार खेले थे। अगर जंपा ठीक हो गए होंगे तो अगार की जगह पे जंपा खेलेंगे, नहीं तो अगार ही रहेंगे। बाकी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क एंड हाजलवुड, यही प्लेइंग 11 होगी। इसमें चेंजेस यही, एक वेट की जगह पे कोई और होगा, नहीं तो जंपा खेल सकते हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, तो आप इंग्लैंड की बात करूं तो यहाँ पे जॉस बटलर ओपनिंग करने आएंगे, उसके साथ साथ एलेक्स हेल्स, डेविड मिलन, स्टोक्स बेन स्टोक आएंगे, हैरी ब्रुक, लिंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस ओक्स जो है बहुत महंगे साबित हुए हैं पिछले मैचों में, तो जॉर्डन और मिल्स में से कोई एक खेल सकता है अगर चेंजेस करना होगा तो। बाकी आदिल रशीद वही रहेंगे और टिम वुड भी वही रहेंगे, तो ये दोनों टीम लगभग सेम रहेगी। चेंजेस यहाँ पे मुझे लगता है तो जॉर्डन हो सकते हैं, नहीं तो कोई और चेंज नहीं होगा। अगर आप बात करें इम्पोर्टेंट मैचेस की, तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं डेविड वार्नर, लेकिन चल नहीं रहे हैं। फिंच ने थोड़े अच्छी पारी पिछले मैच में खेली थी लेकिन बहुत स्लो थी। मिचेल मार्स पिछले मैच में बॉलिंग भी किए थे और बैटिंग भी 1 डाउन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। मैक्सवेल बॉलिंग बैटिंग, स्टोइनिस का भी सेम है, पिछले मैच में स्टोइनिस ने 17 बॉल पे 50 रन की पारी खेली थी, तो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टिम डेविड हार्ट हिटर हैं, बट इनको यहां तक आने में ही, इससे पहले ही टीम जीत जाती है। तो ये ऊपर के वार्नर, मिचेल मार्स, मैक्सवेल, स्टोइनिस, ये 4 प्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद यहां से आप
हाजलवुड और पैट कमिंस या स्टार में से कोई एक को ले सकते हैं। अगर इंग्लैंड की बात करूं तो जॉस बटलर अभी तक के चले नहीं है, लेकिन क्या पता किस मैच में चल जाए तो अकेले जिता सकते हैं। तो जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनको मैं नहीं लूंगा, डेविड मिलन को लेने वाला हूं मैं। स्टोक्स भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं बट अभी तक चले नहीं हैं, बेन स्टोक बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते हैं। और यच ब्रुक को, इनको ना बॉलिंग मिलती है ना बैटिंग मिलती है, अगर बैटिंग मिलती है तो उसमें चलते नहीं है तो इनको भी नहीं लूंगा। लिविंगस्टन को मैं लेने वाला हूं क्योंकि बॉलिंग से भी रन देते हैं और हार्ड हिटर ही है, तो इधर इनको लेने वाला हूं। सैम करन जो कि लास्ट में बॉलिंग कराते हैं, बहुत ही अच्छा विकेट लेके देते हैं। उसके बाद मेरे टीम में रहेंगे मार्क वुड। तो ये प्लेयर होने वाले हैं। इधर से मैं जॉस बटलर, डेविड मलान, लिविंगस्टन, सैम करन और मार्क वुड को लेने वाला हूं। अगर मेरा कुछ रहा तो मैं स्ट्रोक को भी लूंगा, तो स्ट्रोक को भी मैं लेने वाला हूं। अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो मैक्सवेल बेस्ट रहेंगे, मिचेल मार्श हो सकते हैं क्योंकि बॉलिंग बैटिंग से दोनों रन देते हैं, और यहां से जॉस बटलर और लिविंगस्टन और डेविड मिलान, ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन। तो दोस्तों ये थी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्लेयर भी बता दिए हैं। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम अपने चैनल पे देने वाला हूं, वहां पे मैं आपको ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की टीम देने वाला हूं, आफ्टर टॉस बिफोर टॉस और बहुत सारे अपडेट्स हैं वो भी आपको वहीं पे देने वाला हूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहां से आप अच्छा सा पैसा अर्न कर सकते हैं।